आंजनेयर वड़ा कहें या मिलगु वड़ा, बनाना चाहेंगे दोस्तों तो आइए फूड प्रेप में। फूड प्रेप के और वीडियोस के लिए सामने दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कप उड़द दाल लेंगे। इसे दो बार हम अच्छे से धो लेंगे और फिर हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। अब 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। 1 घंटे बाद ये देखिए दाल अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसे पीसेंगे लेकिन इसका पानी हम निकाल लेंगे। वड़े को बनाने के लिए इसे बिना पानी के ही हमें पीसना है दोस्तों। अब मिक्सर ग्राइंडर में मैंने 1 चम्मच काली मिर्च के दाने लिए हैं और इसमें अब हम उड़द दाल डालेंगे जिसका हम पानी निकाल चुके हैं। नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून हींग, थोड़ा सा हींग हमें यहाँ पर डालना है। अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। याद रखिएगा हमें इसमें पानी नहीं डालना है दोस्तों। ये देखिए एकदम थिक पेस्ट यहाँ पर ही रेडी है। अब हम इसे एक अलग से साफ बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर 2.5 चम्मच चावल का पाउडर डालेंगे, राइस फ्लोर, और 1 चम्मच गरम घी हम यहाँ पर डालेंगे। घी गरम है इसलिए इसे अच्छे से मिला लें, पहले चम्मच से और फिर हाथों से। ये लीजिए रेडी है। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। मैंने यहाँ पर साफ पॉलीथिन बैग लिया है दोस्तों। आप चाहें तो केले के झाड़ के पत्ते या फिर कोई प्लास्टिक की फाइल भी ले सकते हैं। शीट्स की ऑपोजिट साइड में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। यहाँ पर हम बहुत छोटा सा ये बॉल लेंगे और प्लास्टिक शीट से हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से चिपका लेंगे और एक छोटी सी कटोरी की मदद से हम इसमें शेप ला लेंगे। बहुत ही आराम से शीट को हटाइए और अब हम इस वड़े में छोटा सा होल करेंगे और ये हमारे मिलगु वड़ा, जिसे हनुमान वड़ा भी कहते हैं, ये रेडी है दोस्तों। इसे ज़्यादातर तमिलनाडु में प्रसाद के लिए बनाया जाता है हनुमान जयंती के दिन। अब लो से मीडियम आंच पर यहाँ पर हम तेल रखेंगे फ्राई करने के लिए। वड़े को हम यहाँ पर डीप फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लेंगे। गैस की आंच लो से मीडियम के बीच में रखेगा दोस्तों, हमें इसे जलाना नहीं है। ये देखिए एकदम रेडी है। ऐसे ही हम बाकी वड़े भी बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वड़े को आप एक टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 हफ्ते तक खा सकते हैं दोस्तों। ये लीजिए हमने बाकी वड़ों को भी बना लिया है। ये देखिए हमारे पेपर वड़ा कितने क्रिस्प है दोस्तों। ये हनुमान जयंती की पूजा में बनाई जाती है दोस्तों, तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और फूड प्रेप चैनल में फिर ज़रूर आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी।